जी पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेडिकल स्टूडेंट, आई एम डूइंग एमबीबीएस. मतलब बेसिकली मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था कि मेरे रिलीजन में ऐसी चीजें हो सकती हैं. मुझे लगा था मेरा रिलीजन सबसे बेस्ट है. या आप लोग के वीडियोस वगैरह देख के थोड़ा सा ईमान डग भगा गया है मेरा. ओए होए होए होए, कितने लोगों के ईमान डगमगा जा रहे हैं यार हमारी वीडियोस देख देख के। जी हिताइशी जी, हेलो हेलो, जी हिताइशी जी, अस्सलाम वालेकुम भैया. अम सलाम। हेडफोन लगाया हुआ है आपने? जी, एयरपॉड्स लगाए उसका माइक थोड़ा होठों के करीब करेंगी आप? हैं. एयरपॉड्स है सर. जी इधर से आवाज बढ़ा दी मैंने, अभी थोड़ी ठीक आ रही है. हाँ हेलो, अब आ रही है जी सही? जी 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 आ रही है। मोमिना है आप? जी सर. ओके। नमाजे माजे पढ़ती है? जी सर, बट अभी इतनी नहीं पढ़ रही अभी नहीं पढ़ती? क्यों, हूँ जी. नहीं, अभी माफ होगी नमाज? ऐसा कुछ नहीं तो फिर क्यों नहीं पढ़ती है? है. या आप लोग के वीडियोस वगैरह देख के थोड़ा सा ईमान डग भगा गया है मेरा. ओए होए होए होए, कितने लोगों के ईमान डगमगा जा रहे हैं यार हमारी वीडियोस देख देख के। कब से देख रही है हमारी वीडियोस? कम से कम मुझे हो गया एटलीस्ट 4-5 महीना हो गया है. 4-5 महीना हो गया है। उससे पहले तक नमाजें पढ़ती थी आप? ओके। आयत कुर्सी याद है आपको? जी याद है. अऊज़ुबिल्लाहि पढ़ के सुनाइए। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुदुहु सिनतुन वला नौम, लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, मन ज़ल लज़ी यश्फ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यालमु मा बैना अय्दीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम. माशाओ माशाओ। तो मतलब पूरे टाइम की आप नमाजें पढ़ती थी पहले? जी, 5 वक्त प्लस 5 वक्त कभी की तहज्जुद कभार तहज्जुद भी पढ़ती थी? हिताशी जी जो है वो तहज्जुद भी पढ़ती थी, नमाजें भी पढ़ती थी। फिर चैनल कैसे मिला आपको? जाती थी. सर, एक तो यूनिवर्सिटी में, मतलब ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी में दोस्त वोस्त होते हैं तो वो सब चीजें बताते हैं, मतलब क्वेश्चंस करते हैं. तो मतलब किसी ने ऐसा क्वेश्चन करा कि तुम्हें पता है तुम्हारे रिलीजन में स्लेवरी वगैरह होती है? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता. फिर जब रेफरेंस दिखाया, फिर वीडियोस, आपका नाम बोला, फिर मैंने वीडियोस देखी है, वो शॉक देयर कि ये कैसा, ये चीज़ तो पहली बार मैंने सुनी है. तो सबसे पहले तो मैं, जो भी आपका दोस्त था जिसने आपसे सवाल किया और आपको वीडियो बताई, मैं उनको सलूट करना चाहता हूं। आई एम श्योर वो देख रहे होंगे। और भाइयों, जितने लोग देख रहे हैं, आप देखिए कि एक छोटे से आपके सिर्फ वीडियो शेयर करने से बहुत मुमकिन है कि वो इंसान इस्लाम छोड़ दे, एक वीडियो शेयर करने से। इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना ज्यादा शेयर करोगे वीडियोस, जितने मोमिन हजरात मोमिना वीडियो देखेंगी उनको गंदगियां पता चलेंगी, वो इस्लाम से बाहर निकलेंगी और निकलेंगे। तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि ये जो इम्पैक्ट आ रहा है, ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह वजह जो है वो आप लोग है, क्योंकि आप लोग हमारी बातों को इन तक पहुंचा रहे हैं, मोमिन हजरात तक पहुंचा रहे। तो जब आप 6 महीने से देख रही है हिताची जी, और आपने नमाज पढ़ना भी छोड़ दिया, क्या क्या चीजें आपको पता चली जो पहले पता नहीं थी? क्या आपने वो रेफरेंसेस चेक किए? और फिर अब क्या मामला है आपका? जी पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेडिकल स्टूडेंट, आई एम डूइंग एमबीबीएस. तो पहले तो मेरे को क्वेश्चन आया ऑफ कोर्स जब मैंने अपना मेडिकल का पढ़ाई करा. मतलब कुछ कुछ चीज़ें मुझे मालूम थी अपने रिलीजन से रिलेटेड. एंड फिर एक तो औरतों का, मतलब मेरे को समझ नहीं आता था कि हर चीज़ औरतों पे बंदिश है भाई, ये नहीं करना वो नहीं करना. फिर आपकी वीडियो से मुझे हलाला का पता चला, वो सब चीज़ें. एंड मतलब बेसिकली मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था कि मेरे रिलीजन में ऐसी चीजें हो सकती हैं. मुझे लगा था मेरा रिलीजन सबसे बेस्ट है, मतलब कुछ खराबी हो ही नहीं सकती. मतलब इतना बेस्ट है कि सब लोग इतना कन्वर्ट हो रहे हैं. जब मतलब सुनने में आता था कि वीडियोस वगैरह डालते हैं ये लोग, मतलब कि इतना पॉपुलेशन कन्वर्ट हो चुका है, ये वो अली दावा का वीडियो एंड बहुत से मुफ्ती मैंग एंड मतलब काफी सारे लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते, उनके बयान में सुनती थी. एंड बट
मेरे को कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मतलब कुछ ऐसा, मतलब मेरे को तो ऐसा था कि मतलब मैं किसी को कन्वर्ट करा दूं, मेरा मेरा ऐसा ही मन था उस टाइम पे कि अच्छा, मतलब अगर कुछ तबलीग का कीड़ा आप में भी था कि सारे लोग जो जो आपसे इनकाउंटर हो, दोस्त लोग, उनको भी जी, आपको इस्लाम कबूल करवाया था। मेरी एक टीचर थी एंड शी आस्क्ड मी अच्छा, अबाउट आप कुछ बोलने से पहले सिर्फ एक चीज आपको याद दिला दूं कि आप लाइव जी है, कोई भी ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं बताइएगा जिससे आपको बाद में तकलीफ हो। जी सो बी जी नो केयरफुल प्रॉब्लम व्हाट एवर यू आर शेयरिंग। जी, जी आपकी टीचर थी। तो मेरी एक टीचर थी एंड शी वाज वेरी इंटरेस्टेड इन इस्लाम एंड उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे, तो वो मेरे को बोल रही थी कि आप मेरे को या तो कुरान का कोई ट्रांसलेशन वगैरह हो आप मेरे को वो भेजो, या फिर कोई लेक्चर्स हो जो आप मेरे को रिकमेंड करोगे वो भेजो. और वो मेरे से मतलब आंसर जानना चाह रही थी कि तुम एक्सप्लेन करो कि तुम्हारे रिलीजन में क्या ऐसा अच्छा है और तुमको क्यों अच्छा लगता है, तुम्हें क्यों बिलीव है अल्लाह पे. तो वहां पे मेरा थोड़ा सा मतलब मैं कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी कि मतलब क्या एक्सप्लेन करूं. मतलब हाँ, मैंने कई चीजें कोशिश करी कि अच्छी अच्छी चीजें फिर मैंने शेयर करी चीजें, पर वही वाली चीज है ना कि या तो आपको बहुत ज्यादा पता हो अपने रिलीजन के बारे में कि जो आप एक्सप्लेन कर सको, या आप बिल्कुल लो लेवल पे आपको कुछ पता ही नहीं है, जैसे कि अभी आए थे जैसे नमाज वमाज भी नहीं पढ़ रहे हो, मतलब नमाज की आयतें भी नहीं आता है, या आपका लेवल मीडियम हो कि हाँ आपको आयतें वगैरह आता है, आपको कुरान पढ़ना आता है लेकिन आपको ट्रांसलेशन उसका नहीं पता है. तो मेरा मिड वाला था कि मैं मीडियम थी, मेरे को कुरान वगैरह पढ़ना आता है, मैं नमाज वमाज से पढ़ती थी, बट मैंने कभी ट्रांसलेट नहीं करा उस चीज़ को. और मैंने सोचा भी था कि मैं इसके ट्रांसलेशन पढ़ूंगी कि मेरे को वक्त मिलेगा तो मैं पढ़ूंगी, बट मुझे वक्त ही नहीं मिला कभी क्योंकि लाइफ बहुत बिजी चल रही है मेरी फिलहाल. फिर एकदम से आपकी वीडियोस मुझे किसी ने रिकमेंड करी एंड मेरे को ट्रांसलेशन दिखी, फिर मैंने इंग्लिश की ट्रांसलेशन खोल के देखी, एक इंग्लिश कुरान थी मेरे पास, तो वो सब चीजें मैच कर रही हैं. तो हाय 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 हाय, हकीकत खुल गई। अच्छा जी, और मतलब मैंने ऐसे हिताशी अपनी जी, एक जी एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर आप अपनी बात शेयर करना, बिल्कुल जो भी आपको जी जी मतलब बात अपनी रखनी है। अच्छा ये चीज, लेकिन ये 100% ट्रूथ है ना, ये सत्य है ना कि मोमिन हजरात ने अपना रिलीजन, अपनी किताबें, अपने रसूलुल्लाह का कैरेक्टर कभी खुद से पढ़ा नहीं, हमेशा वो अपने मौलवियों के जी भरोसे में रहे, और इस वजह जी से ये बिना पढ़े बिना समझे इन्होंने अपने दिमाग में ये बात बिठा के रखी है कि भाई हमारा कुरान सबसे बेस्ट है, हमारा इस्लाम सबसे बेस्ट है। क्या ये बात सही नहीं है? मेरे अकॉर्डिंग ये बात बिल्कुल सही है. आप भी उसी कैटेगरी में थी ना? जी, अब तक मैं यही सोचती थी कि क्योंकि सब मतलब जब छोटी थी तो बोलते थे नबी, हम बोलते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मतलब उनके सामने नबी जरूर लगाओ, जी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ठीक है चलो ये भी कर लेते हैं, लेकिन कभी ऐसे डिटेल में उनके हिस्ट्री नहीं पता करी कि थे कौन वो एक्चुअल. बस हाँ ये पता था कि प्रॉफिट है हमारे और वो अच्छा काम करते थे और वो अच्छे थे, उनके ऊपर फिर ये एक बूढ़ी औरत थी उन्होंने उनके ऊपर कूड़ा वगैरह डाला, अच्छा ये भी और सुना सब हुआ था ये बूढ़ी औरत का। जी, ये तो मेन पॉइंट होता है सबका, मतलब ये हाँ मेन जिसे मैं कहते मेन कहानी, सबसे आई थिंक ये मोस्ट कॉमन कहानी होगी जितनी मोमेंट्स ने सुनी होगी. बूढ़ी औरत कुड़िया जी फेंक कूड़ा फेंकती थी। जी फिर भी उन्होंने उनसे कुछ नहीं करा कहा, और उनका सामान वामान वो अपने ऊपर मतलब उनको अपने कंधे पे बिठा के और उनका सामान साथ में लेके जाते थे, ये सब चीजें मैंने सुनी थी. दो अलग अलग स्टोरी और है। जी, और फिर एक ये नुपुर शर्मा का वीडियो आया उस टाइम पे कि 9 साल के बच्चे से, मैंने कहा ये क्या सब चीज है. मेरे को भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई उस टाइम पे कि ऐसे कैसे बोल सकती है, ऐसा हमारे नबी ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, ये रो मैं भी बहुत ज्यादा उसमें चली गई कि ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता. और फिर मैंने उसकी कोई मतलब जानकारी भी ली ही नहीं, मतलब डिटेल में मैं घुसी ही नहीं उसके उसके क्योंकि बस मुझे एक एग्रेशन था कि हाँ कि कैसे बोल लिया उसने, क्यों बोला उसने हमारे प्रॉफिट के बारे में, बस ये एक पागलपन था. जी ओके okay, और अब क्या लगता है? अब तो देखिए सर, पहली बात ये जो 9 साल वाली बात थी, अभी भी मैं देखती हूँ जैसे बहुत फॉरेन कंट्रीज में जो लोग हैं जो मुस्लिम, जैसे फॉर एग्जांपल लंदन हो गया, लंदन में आप देख रहे होंगे कि बहुत बहुत ज्यादा लोग मुस्लिम्स हैं, बहुत ज्यादा कन्वर्ट भी हो रहे हैं वहां पे,
उनका कुछ अलग ही, मतलब वो अपनी ही फिलोसफी से काम कर रहे हैं कि नहीं, आयशा की एज 9 साल नहीं थी, ये गलत बताई गई है, आयशा की एज 16 ईयर्स की थी, शी वाज 16 ईयर्स। आई वाज लाइक, अब तुम्हें खुद को ये नहीं कंफर्म है कि उसकी एज थी कितनी, हाँ लेकिन तुमको बात करनी है उस चीज पे। पहले खुद वो चीज कंफर्म करो कि एक्चुअल में थी कितनी एज। चलो मैं मानती हूँ कि ये चीजें मान लो गलत भी हो, मान लो हो गई गलत है या गलत, लेकिन पहले खुद तो कंफर्म करके आओ वो चीजें, रेफरेंस लेके आओ ना उस चीज का, अब तो बिल्कुल। ऐसा हो और ये चुका है तो कि इनको, ये जो 16-19 करने वाले जो है, ये तो इनको अभी शर्म आ रही है अपने रसूलुल्लाह की हरकत पर, ये इस वजह से गेम डालने की कोशिश करते हैं। वरना आप देखिए कि जी जो मेजोरिटी है मुसलमानों की, वो तो आज भी यही मानती है और गर्व से कहती है कि हाँ 9 साल की थी। जी 9 साल की थी, और फिर ये कंसेप्ट, 9 साल, 6 साल की शादी हुई, फिर 9 साल में दे हार्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन देम, एंड ये सब कुछ सुनना, इट वाज लाइक ये तो रेप हो रहा है एक तरीके से। वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। तो ये सब लेकिन मुझे मुझे एक चीज तो समझ में नहीं आती हिताशी जी जी, जी कि आपने कहा आप एक मेडिकल स्टूडेंट है, तो ये जो जी मोमिन हजरात जो मेडिकल स्टूडेंट है या डॉक्टर है, जी एमबीबीएस किया है, बड़े बड़े तो डॉक्टर्स है मोमिन हजरात, ये जी इनके समझ में नहीं आती कि ये गलत चीज है? सो बेसिकली द थिंग इज दैट कि हम दुनियाई चीजें ज्यादा, मतलब हम अपना रिलीजन खुद नहीं पढ़ते हैं, ना हम उस चीज को ट्रांसलेट करते हैं, ना हम उसकी हकीकत जानना चाहते हैं, बिकॉज हम अपने डेली लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं। हमें जो हमें पढ़ाते हैं, जैसे हमने बचपन में सुना है, हमारे पेरेंट्स जो हमें सिखाते हैं, हमें जो मौलाना मौलवी सिखाते हैं, हम सिर्फ उसी पे बिलीव करते हैं, हम अपनी खुद से रिसर्च नहीं करते, ये तो देखिए, हमें वो ये चीज अभी गलत। ये कैसर राशिद साहब है, ये कहता है देयर इज नथिंग रॉन्ग इन आयशा बीइंग 9 एट मैरिज। मेरा इनसे एक ही क्वेश्चन होगा, कैसे साहब आप अपनी बहन या अपनी बेटी को 9 साल में शादी करा दीजिए किसी 60-70 साल के आदमी से, तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है। ये जब पर्सनल लेवल पे आते हैं ना, तो ये इनको तभी समझ में आता है कि एक बुढ़ऊ से शादी नहीं कराना है 9 साल की बच्ची की। जी। लेकिन रसूलुल्लाह के लिए तो सारी गलतियां माफ है, उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। जी। और दूसरा मैं ये मानूंगी कि बहुत, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब मेरा मेरा ये ओपिनियन है, वो इतना ज्यादा रिलीजन में नहीं घुसते हैं, और क्योंकि उन्हें पता है, मतलब हम खुद अरे मैंने रिलीजन, देखा हम है भाई, मैंने देखा है मेडिकल डॉक्टर, आपको इंस्टा इंस्टा पे भी अच्छे इन्फ्लुएंसर आपको मिल जाएंगे, दाढ़ी टोपी जी रख के 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं, डॉक्टर लोग 5 टाइम की सर, वो नमाजें पढ़ रहे हैं, उनका इससे बड़ी बेसिकली मुझे बेवकूफी ऐसा क्या लगता होगी? है कि एक हमारे हम एक सब्जेक्ट हमारा एक सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी, हम लोग उसके बारे में, अभी मेरा वो सब्जेक्ट चल भी रहा है करंटली, और हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि लोग का कैसा बिहेवियर होता है, ये मतलब मेंटल इलनेस दिस एंड दैट, तो चीजें समझ आती हैं उस हिसाब से। लेकिन बेसिकली हम इतने अंधे होते हैं, हमें हमें वो चीज अपने लोगों पे अप्लाई ही नहीं करनी। हम ये सोचते हैं कि हम नहीं, उन्होंने एज अ एग्जाम्पल ऐसा लिया होगा, उन्होंने जैसे रीढ़ की हड्डी की औरत आदमी की रीढ़ की हड्डी से बनती है, ये लॉजिक पहला। तो एक बात बताइए, चलो हम मानते हैं कि चलो एक ये हो गया कि उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज बता दी, औरत आधे दिमाग की होती है, अब इसमें कौन सा एग्जाम्पल है, अब इसमें आप क्या कहेंगे? तो इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है ना कि अब औरत आधे दिमाग की होती है लेकिन आदमी पूरा इंटेलिजेंट होता है, दो औरत एक आदमी के बराबर है, तो ये तो गधों वाली बात हो गई ना, मतलब वो क्या इंसान नहीं है? मैंने ऐसा सुना था, मतलब ऐसे लोग बोलते थे जब हम बचपन में कि मुसलमान पढ़ते नहीं है, मुसलमान ये नहीं करते, मुसलमान पढ़ेंगे कैसे, एक बात बताइए, जब उनको एक ही चीज में बार बार रिपीट होती है उनके साथ वो चीजें कि बस तुम अपना रिलीजन डिफेंड करो, तुम ये करो, तुम बस रिलीजन के अकॉर्डिंग ये करो, रिलीजन में तुम कन्वर्ट करवाओ लोगों को, बस रिलीजन रिलीजन रिलीजन, पूरी जिंदगी तुम्हारे रिलीजन में निकल जाती है, तुम अपने लिए क्या करते हो, तुम अपना स्टैंड कहाँ से लेते हो, तुम ये बताओ। फिर बोलते हो कि हम पढ़ते नहीं है, क्यों क्यों नहीं पढ़ते, रीजन क्या है नहीं पढ़ने का? क्योंकि दिमागी अपंग होते हैं तुम, क्योंकि तुम एक तरीके से ये होता है कि आपको सच पता है फिर भी आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हो, फिर भी आप एक इल्यूजन में, इल्यूजन वाली दुनिया में हो, आपके खुद की दुनिया बनी पड़ी है, आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते।
बिल्कुल आपकी सही बात है दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो दो तीन वर्ड है अपने, ये अब बहुत कयामत तक का जो है ना लोग इस्तेमाल करेंगे, दिमागी अपंग और एक एक वर्ड था यार अभी मेरे दिमाग में आया था भूल गया, एक तो है दिमागी अपंग और दूसरा है क्या वर्ड था यार अपना को याद दिलाओ, ये बहुत मुझे लगता है बेस्ट रोल मॉडल, ये दिमागी अपंग और बेस्ट रोल मॉडल जो है ये लगता है मोमिन हजरात सुन सुन के पागल हो जाएंगे ये बेचारे क्या बोलने का यार। तो खैर हिताशी जी, आर यू हैप्पी नाउ कि आपको हकीकत पता चली, आपने अपनी जिंदगी और बर्बाद नहीं की इस नमाज की चक्कर में, तहज्जुद की चक्कर में, रोजों की चक्कर में, आप आगे नहीं बढ़ेंगी, आर यू हैप्पी नाउ? सो वैसे तो आई एम हैप्पी कि मतलब क्योंकि हर छोटी चीज में गुनाह होता था, हर ये नहीं करना वो नहीं करना, बट एक वो ये है जब आप इतना फॉलो करते हो बचपन से एक चीज को, आपको एक लगाव सा हो जाता है। अब एक बेसिकली आप इमोशनली और मेंटली उस चीज पे डिपेंड रहते हो कि आपको ये लगता है कि चलो कोई नहीं, कम से कम ऊपर वाला तो है। तो इतना झटका लगा मेरे को, इतना मैं थोड़ा डिप्रेशन में चली गई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, बट अब ठीक है, नॉर्मल हो रहा है थोड़ा थोड़ा। बट हाँ वो ये है कि बहुत अजीब वाली फीलिंग आई कि ये हुआ क्या एकदम से, ये कैसे हो गया, क्यों हुआ ये चीज। जी मतलब अगर एक चीज ये सोची है, अगर मेरा ईमान कमजोर हो रहा था तो कोई तो ऐसा मुआवजा होना चाहिए था ना मेरे सामने कि हाँ, जिस चीज को देख के मैं बिलीव कर लूं कि हाँ कि दैट अल्लाह इज ट्रू एंड एवरीथिंग इज ट्रू। मैं यही सोचती रहती हूँ, अभी भी ये सोचती हूँ कुछ तो ऐसा हो कि मुझे यकीन हो कि हाँ सच में है, बट मुझे आज तक नहीं दिखा। बिल्कुल, और ये देखिए कैसर साहब कह रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह सिस्टर कम बैक टू दीन, देयर इज डेफिनेटली एन आफ्टर लाइफ। ये जो आफ्टर लाइफ का चूरन तुम्हारे दिमागों में जो भर के रखा है ना भाई, यही सबसे बड़ी वजह है तुम लोगों के दिमागी अपंग होने की, वन ऑफ द मेन रीजन आप लोगों के दिमागी अपंग होने की, आफ्टर लाइफ। सिस्टर और बोल रहे हैं, सिस्टर का कहां से सिस्टम है इसमें? हाँ तुम्हारे में सिस्टर का कहाँ से सिस्टम है भाई, तुम मुंह बोली क्या बच्चे की बीवी से तुम शादी कर सकते हो, सिस्टर का कहाँ कॉन्सेप्ट है तुम लोग में? और आदमियों को 3-4 शादियां अलाउड है, और आदमियों के हाँ पास हक भी है कि 3 तलाक दो और दफा करो। औरतों बिल्कुल, के पास क्यों नहीं है वो चीज? औरतें इंसान नहीं है? अभी बिल्कुल आपने सुना बिल्कुल, होगा एक आईब्रोज वाला केस चल रहा है जो इंडिया में, हाँ, कि आईब्रो की वजह से जी तलाक दे दिया ना उसके शौहर ने, किधर गल्फ विल्फ में बैठा है वो। बेसिकली ये रिलीजन को लेके ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं, हाँ सही कहा आपने, तलाक दे दे रहे हैं। उसकी तो जिंदगी एक तरीके से खराब ही कर दी ना उस आदमी ने। सत्य फरमाया आपने, ये नहीं सोचेंगे, ये सोचेंगे इनको सोचना ही नहीं, अपनी गलती ही नहीं देखनी है, क्यों देखेंगे गलती वो। बिल्कुल। तो हिताशी जी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि कम एज में आपको ये हकीकत पता चली, और जी हम तो थैंक यू आपको सो मच। यही कहेंगे कि जो आपका जो करियर है मेडिकल लाइन में, उसमें खूब आगे बढ़ो, खूब अच्छे से उसको प्रिपेयर करो, और इंडिया की बेस्ट डॉक्टर आप बने, जो भी आप स्ट्रीम चूज करना चाहती है उसमें, पीजी वीजी जो भी आप करना चाहती है, थैंक यू सो अपनी मच। जिंदगी को बेहतर बनाए, और जो है इस झंझाल में कभी मत पड़िएगा आप। जी जी जरूर। पर मेरा आपसे हिताशी एक और हाँ रिक्वेस्ट है जी जी प्लीज गो जी, अहेड। आप ये जितने भी फॉर एग्जांपल ये फॉरेन स्कॉलर्स हैं, जैसे ये अली दावा हो गया, एक और बंदा है क्या नाम है उसका, मुफ्ती मेंग मुफ्ती मेंग, इजाब, और एक और है, मोहम्मद इजाब, अरे नहीं मोहम्मद, हाँ मोहम्मद इजाब, और एक और है उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं और मतलब क्या आला नाम है तेरा उसका शक्ल है ना यार, उसकी हाँ, क्या नाम है आरी उसका, ते भूल गई मैं। अभी अभी वो पूरी दाढ़ी रखना शुरू किया यार उसका नाम, एंटी के वो अपना यार क्या नाम है यार उसका, वो उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी, चेहरा उसका कुछ तो भी कैसा तो भी आड़ा टेढ़ा है, अजीब ही लगता हो। नहीं वो है पाकिस्तान का बेसिकली, लेकिन जी बयाना हाँ जो है वो वो इंग्लिश में पाकिस्तान का देता है। है। साहिल हाँ उदीम, जी जी
नहीं, साहिल अदीम नहीं, यासिर काजी भी नहीं। मेरी और एडम साहब की एक बार बात हो रही थी तो मैंने तभी उसका नाम बताया था। नहीं यार, तो वो यूएस में या यूके में किधर है वो? नहीं, डैनियल भी नहीं, वजड़ी भी नहीं, उस्मान भी नहीं, वो अलग तरीके से काम करता है। वो है देवबंदी, नोमान अली खान। नोमान अली, हाँ, थैंक नोमान अली खान। जी, यू देवाचा भाई, नोमान अली खान। वो भी एक नंबर का जो है ना, वो मेकअप आर्टिस्ट से हो बुलाइए आप इन लोगों को एक बार कभी लाइव में। उसको यार। उर्दू तो आती हमारा है ना? प्लेटफॉर्म तो हमेशा, हिताशी जी, हमारा प्लेटफॉर्म तो ओपन है, कभी भी आ सकते हैं। उस्मान फारूक हो, कोई भी हो, खुला है आपके लिए। नोमान अली खान हो, मुफ्ती मेंग हो, आसिम अल हकीम हो, इंजीनियर मिर्जा हो, तारिक मसूद हो, तारिक जमील हो, और वो बरेलवियों के जितने बड़े बड़े जी, हैं, एक वो और सलमान चीज अजहरी मेरे को हो। बोलना था। जी ये तारिक जमील, इनके बयान मैं सुनती थी, मैंने सुना इनका बेटे का इंतकाल हो गया, सॉरी फॉर हिम। एक बात बताइए, ये दुनिया को वो देते हैं, बयान देते हैं, सब चीज देते हैं, ये अपनी औलाद के ऊपर ही ध्यान नहीं दिए? जी, एक बात बताइए, तारिक जमील इस दुनिया को बयान देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं अपने बयानों में, उन्होंने क्या अपने बेटे को कभी मतलब टाइम नहीं दिया, या फिर उनको बैठा के समझाया नहीं, या फिर उनको उनकी साइकोलॉजी बीमारी जो थी उनको उनसे कभी कोई डिस्कशन नहीं करा? कि हमारे नबी ने तो ये बोला था कि अपने बच्चों से बहुत अच्छे से बात करिए, अपना करीबी दोस्त रह के। उनके खुद के बयानों में मैं ये चीज सुनती हूँ, क्या वो चीज उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई नहीं करी? मेरे प्यारे नबी ने फरमाया है, ए माज, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, यह भी नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है। सबसे बुरी बात है जबान का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। मेरे प्यारे मोमिन जी भाइयों, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो अपने बच्चे को कुरान से उसका इलाज नहीं कर पाए, रूहानी इलाज नहीं कर पाए। कि भाई कुरान, जी आप ये कहते हो कि कुरान में शिफा है, दिलों का मर्ज जी निकल जाता है, तो वो शिफा अपने बच्चे को क्यों नहीं दे पाए? वो इतने सालों से वो ही वॉज हैविंग मेंटल डिसऑर्डर्स, तो ये क्यों कुरान से जो है उसको सही नहीं कर पाए? कलौंजी से क्यों नहीं सही कर पाए? बहरहाल, और उनका शायद उन्होंने गन वो गन से मरे है ना, हो सकता है उनको हाँ मारा भी आया हो। बिल्कुल, हमने और इस पे एडम साहब ने और दीनी भाई ने जी जी बिल्कुल, मैंने सुना है पूरा हाँ, वो रखा था आपका। कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जी, एडम साहब का मैंने सुना था कि अगर बंदा मतलब उनके सीने में गोली लगी है, मान लीजिए अगर वो सुसाइड भी करता है, उन्होंने जैसे फिजिक्स अप्लाई करी कि रिकॉइल पावर होती है गन की, वो उसमें इतनी पावर होती है कि आपका हैंड डिसलोकेट होना चाहिए था ना, जब वो खुद से मार रहा है पूरा घूम के। तो ठीक है, बहरहाल जो भी हो, आई होप वो अच्छी जगह गए हों। हाँ, तो वो तो एक्स मुस्लिम ही थे वैसे, हमको ऐसा लग रहा है उनके बेटे। ना वो दाढ़ी रखते थे तो, और ना कुछ करते थे। तो खैर, हिताशी जी, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमें ये गर्व है कि एक एक्स मुस्लिम डॉक्टर भी है, यानी डॉक्टर बन रही है। और मैं चाहता हूँ कि हर एक्स मुस्लिम लड़की डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और वो पायलट बने, देश की बड़ी बड़ी नेता बने, सब कुछ बने, बड़े बड़े औहदे पे जाए, और हम एक्स मुस्लिम्स के नाम ऊंचे करें। थैंक यू सो मच हिताशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो जुड़ने के मच। लिए एक और एक्स आपके लिए मुस्लिम बात आयशा करने भी के। आई थी ना, वो भी डॉक्टर थे। और हितांशी जी, आपके अंदर में जी अगर जी तबलीग वाला कीड़ा है तो प्लीज इसको मरने ना दे, जब भी टाइम मिले ज्वाइन किया करें स्ट्रीमों को, और जी जी जरूर जरूर, थैंक अपना चैनल यू सो खोल गए तो मच अच्छी बात है, अगर नहीं भी खोल पाए तो जी दूसरे जो सर। एक्स वो मुस्लिम्स हैं तो उनके चैनलों पे आ दैट विल जाए। बी इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत, जी दे जी आर वेरी रिलीजियस, मैं वो चीज नहीं कर सकती, मेरे पास नहीं, पढ़ाई थोड़ा में टाइम पहले ही ध्यान रहता है। दें, और टाइम जी मिलता है जी थोड़ा बहुत तो एक्स मुस्लिम्स की स्ट्रीम ज्वाइन किया करें, थोड़ा जी जी फीमेल मोटिवेट हो एक्स जाएगा आपके मुस्लिम्स लिए। के जो चैनल है ना हिताशी जी, जी जैसे जी एंजल जी है, रब्बानी जी है, हकूक सीकर है, अपनी एक्स मुस्लिम दीदी जी है, तो है जी ऐसे फीमेल चैनल भी। तो आप अगर थोड़ा बहुत, पढ़ाई अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर 10-15 मिनट के लिए भी आप अगर उनके साथ जुड़ेंगी तो एक जो टीम बनेगी ना, तो उससे काफी लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा। जी जरूर जरूर, आई थैंक यू विल सो ट्राई माई मच बेस्ट। जी, थैंक यू बहुत सो मच, शुक्रिया, बाय बाय। बाय।